तो काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप सीख रहे हो इस क्वेश्चन को, तो आपको ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो प्रूफ करनी है। तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि इसकी या तो दो कोई रो या कॉलम हम लोग क्या कर दें, आइडेंटिकल दिखा दें, अदरवाइज या तो किसी रो या कॉलम के सारी एंट्री को हम जीरो किसी तरह से शो कर दें, डिपेंड करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो आपको इस डिटरमिनेंट को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब डिटरमिनेंट के इस कॉलम थ्री को ट्रांसफॉर्म करना है, सारी एंट्री जीरो हो जाए। इसके लिए आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ठीक है, जिनसे आप पढ़ते हैं आपको बताए होंगे। खैर देखिए, ये हमें डिटरमिनेंट लानी है यहाँ से, यहाँ कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं। तो देखिए, अगर 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो अगर इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो और ला के यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा, प्लस का 2, फिर इसको भी ला के सब्ट्रैक्ट कर दो तो इंटायरली जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि C3 को ट्रांसफॉर्म करें, क्या चीज़, C3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 9 टाइम्स C2, लेकिन 2 बच जाएगा अभी भी, तो हम क्या करें, C1 को भी सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 2 भी सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सिमिलरली आप चेक करिए, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो, चूंकि इंटायरली C3 कॉलम के सारी एंट्री जीरो हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू RHS। ये प्रूफ हो गया, ठीक है।